दोस्तों नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल इजी टू लर्न में। आप देखते हैं कि इंग्लिश हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या हो गई है। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है वे लोग इसीलिए नहीं सीख पाते हैं क्योंकि उनके पास वोकैबुलरी नहीं है, मतलब शब्दकोश नहीं है, या थोड़ा बहुत जो शब्दकोश है वो उसका अच्छी तरह से उपयोग नहीं करना जानते। जैसे कि एक 5 ईयर का चाइल्ड है, 5 साल का बच्चा है, वो भी हिंदी अच्छी तरह से बोल पाता है क्योंकि उसके पास जो छोटा शब्दकोश है वो उसको अच्छी तरह से उपयोग कर सकता है। तो इंग्लिश के शब्दकोश में एक वर्ड है मस्ट। जब भी हमें कोई कार्य बहुत ही अवश्य रूप से करना होता है तो इसके लिए हम मस्ट का उपयोग करते हैं। मस्ट में जैसे मुझे आज लिखना चाहिए, मुझे आज अपना काम पूरा करना चाहिए, मुझे बस का वेट करना चाहिए, तो इस प्रकार की जो सेंटेंस है जहां पर भी चाहिए शब्द आ रहा है वो भी नितांत आवश्यक रूप से, तो हम वहां पर मस्ट का उपयोग करते हैं। जैसे हम कुछ सेंटेंसों के द्वारा मस्ट का उपयोग सीखेंगे। मस्ट का जनरली जो वर्ड है वो अवश्य ही चाहिए, जहां पर भी उपयोग होता है तो वहां पर मस्ट लगाना चाहिए। तुम्हें यहां से चले जाना चाहिए, यू मस्ट गो नाउ। तुम्हें अपनी स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए, यू मस्ट लुक आफ्टर योर हेल्थ। हमें नियमों का पालन करना चाहिए, वी मस्ट ओबे द लॉ। तुम्हें अपनी दवाइयां रेगुलर लेनी चाहिए, यू मस्ट टेक योर मेडिसिन रेगुलरली। तुम्हें वैध टिकट के साथ ही यात्रा करनी चाहिए, यू मस्ट ट्रेवल विद वैलिड टिकट। मुझे 7 के पहले घर पहुंच जाना चाहिए, आई मस्ट रीच बिफोर 7 एट माई होम। हमें कुछ ना कुछ अवश्य रूप से करना चाहिए, वी मस्ट डू समथिंग। क्या तुम्हें इतने जल्दी चले जाना चाहिए, मस्ट यू गो सो सून। तुम्हें धूम्रपान छोड़ देना चाहिए, यू मस्ट क्विट स्मोकिंग। क्या मुझे परमिशन लेनी चाहिए, मस्ट आई टेक परमिशन। तो इस तरह से जहां अवश्य चाहिए वर्ड का उपयोग होता है। कई बार हम मस्ट का उपयोग संभावना के लिए भी करते हैं, पॉसिबिलिटी। जैसे हम देखते हैं कि उसने सुबह से कुछ नहीं खाया, निश्चित ही वो भूखा होगा। He had not eaten anything since morning. He must be hungry. वो सुबह से काम कर रहा है, वो बहुत थक गया होगा। He has been working all day. He must be tired. तुम तो मैच जीत गए, तुम तो बहुत खुश होगे। You have won the match. You must be happy. वो बहुत बीमार होगा, He must be ill. यदि must के साथ हम देखते हैं कि कार्य पूरा हो चुका है और हमें यकीन है कि वो घटना घटी होगी जो हमारी कल्पना के अनुसार है, इमेजिनेशन के अनुसार है, तो हम वहां पर मस्ट के साथ हैव या हैड वर्ड लगाएंगे और उसके साथ क्रिया का तीसरा रूप का उपयोग करेंगे। मुझे आपसे ही सर्दी हुई होगी, आई मस्ट हैव कॉट कोल्ड फ्रॉम यू। बस तो जा चुकी होगी, द बस मस्ट हैव लेफ्ट। 8:30 बज चुके हैं, बस जा चुकी होगी, इट इज 8:30 PM, द बस मस्ट हैव लेफ्ट। उसने उससे जरूर उसने उसका वेट किया होगा, इंतजार किया होगा, ही मस्ट हैव वेट फॉर हिम। वो आज बहुत अमीर बन चुका है, उसने ऐसा सपना देखा होगा, ही मस्ट हैड अ ड्रीम। कितना भयानक एक्सीडेंट था, ये रात के समय हुआ होगा, द एक्सीडेंट इज सो टेरिबल, The accident must have taken place at midnight. ये क्या? ये तो अभी तक नहीं उठा है। इसने निश्चित ही नींद की गोली ली होगी। He must have taken sleeping medicine. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब लगभग घटना घटी होगी तो must के साथ have या had word का लगाकर verb का third रूप का इस्तेमाल करेंगे। आप ऐसे ही थोड़े से जो प्रयोग हैं वो अपने डेली रूटीन में लाते रहें। और यदि आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर दें, मैं उसका सॉल्यूशन जल्द ही आपको देने का प्रयास करूंगा। और आपको मेरा चैनल पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो आपको रेगुलर मिलते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।